वेलकम अपने चैनल को सिखांटन में। और आज मैं पार्ट टू बनाने जा रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जो नया वाला अपडेट आया है उसके ऊपर। तो उसके अंदर मैं बताऊँगा कौन से वेपन का डैमेज कम हुआ है और कौन से वेपन का डैमेज इंक्रीज हुआ है, और जो न्यू वेपन है उसके बारे में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि वो जो मैं बोला था कि वॉर चेस्ट के बारे में और रिवाइवल पॉइंट के बारे में। वैसे वो एक यूएवी का बताना भूल गया था, तो यूएवी के बारे में बोलूँगा। यूएवी लाइट, जो यूएवी लाइट है, मतलब जैसे जो मैप के अंदर ऊपर यूएवी घूमता है वो लोकेशन दिखाता है ना, वैसे नेट डालने पे, मतलब हम लोग जैसे उसको पर्सनल यूज़ कर सकते हैं, जैसे नेट डालते हैं तो वो ब्लास्ट होता है ना, वैसे ही वो डालेंगे तो मतलब लोकेशन दिखाएगा, ऐसा कुछ कहने में आया है। तो इसके बारे में पूरा पता नहीं है, तो वो भी जितना सुनने में वो ऐसे ही है कि इसको पर्सनली इतना यूज़ कर सकते हैं, कैसे वो नहीं पता। मुझे लगता है वहाँ तक, मतलब लगता है तब तक ना ये नेट डालते हैं वैसे इसको यूज़ करना होगा शायद। और बात रही गन की, मैंने जो जैसे बोला तो नया वाला जो गन है, न्यू वेपन, ये लिखा ही है इसके अंदर है MAG-7 जो नया वाला शॉट गन है, उसका बेस डैमेज है 20% और मैगजीन है M10 से ज़्यादा है, 8 है, M10 की 6 होती है ना, सिर्फ एक गन स्किन के अंदर 8 है और नॉर्मली 6 ही होती है। और रेट ऑफ फायर है 0.2 और अटैचमेंट ग्रिप स्टॉक भी लगा सकते हैं। वाओ, अटैचमेंट में ग्रिप और स्टॉक लगेगा, ओके। और डैमेज किसका डिक्रीज होने वाला है वो सब देखते हैं। तो मिनिमम डैमेज जो है वो 1% माइनस हो जाएगा वेक्टर का, और मैक्सिमम रेंज इन रेंज कितनी, रेंज भी माइनस होने वाली है, ठीक है ठीक है। तो कितनी होगी, 4 माइनस होगी, और एक्यूरेसी होगी 18% माइनस, मतलब वेक्टर की बहुत बहुत ज़्यादा माइनस हो रहा है, हर चीज़ माइनस हो रही है। और M10 में फ़ायदा हो रहा है माशाल्लाह, तो मेरा तो काम हो गया। M10 में मिनिमम डैमेज प्लस होगा 3% और रेट ऑफ फायर, जिसकी सबसे ज़्यादा M10 में ज़रूरत है, वो जो कम हो गया था तो वो बढ़ जाएगा, वो 5% बढ़ रहा है, मतलब बहुत अच्छा है। और M18 का 3% माइनस हो रहा है, क्या मैक्सिमम रेंज 3% माइनस हो रही है, ये तो थोड़ा M18 के यूज़र्स के लिए प्रॉब्लम है। और ये पैराफुल जो नया वाला गन आया है उसका क्या माइनस है, रिकॉयल परसेंट बढ़ जाएगा, प्लस हो रहा है, और मैक्सिमम रेंज माइनस हो रही है, 15% माइनस हो रही है भाई रेंज, ठीक है। और वुड पिकर जो है, मतलब वो जो स्नाइपर जैसे क्या नाम है, ड्रैगनों की जैसी थी ना वो, वैसे ड्रैगन का जो नया वाला नाम है बहुत बहुत गंदा रखा है यार, ठीक है। तो उसका इसका देखते हैं वुड पिकर पे, तो उसका रेट ऑफ फायर 8% माइनस हो जाएगा भाई साहब। और UMP का आर्मर प्लस होगा 5%, मिनिमम डैमेज 1%, M82B का मूवमेंट स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है, हाँ 10% भाई साहब, मिनिमम रेंज 4%, एक्यूरेसी मूविंग कम हो जाएगा 4%। फिर ये SVG उसका रेट ऑफ फायर माइनस हो रहा है 9% पे, एडिशनल डैमेज टू बॉडी 50% था, 40% हो चुका है। और ग्रोसा का तो सब बढ़ रहा है, रेट ऑफ फायर 8%, मिनिमम डैमेज 3% और रिकॉल माइनस हो रहा है, वैसे ही बहुत ऐसी है, बहुत कम लोग चलाते हैं। FF नाइफ जो नई वाली आनी है, बेस डैमेज 50, MO3 3 रहेगी, ठीक है, रेट ऑफ फायर 0.5, मतलब ये नया वाला जो भी है हर चीज़ बता देगा, जैसे सब इसके बारे में देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़ भाई। और बताना ये कैसा रहा, मतलब और थोड़ा सपोर्ट कर दो भाइयों, ज़रूरत है अभी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।